गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स देखिएगा, आरआरबी में ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी आरपीएफ, आरआरबी ईएलपी और आरआरबी जेई। उसके बाद में अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है कि 4 लाख पदों पर भी भर्ती होनी है। ये जो आया हुआ है नोटिफिकेशन, जो न्यूज़ आई है वो लेटेस्ट है। फ्रेंड्स, इतनी सारी वैकेंसीज आने के बाद भी और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं, और फ्रेंड्स इस वीडियो में उसको पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे क्या न्यूज़ है और कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो 4 लाख प्लस वैकेंसीज हैं, और कितनी वैकेंसीज कहाँ हैं और क्या हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी पढ़ते हैं तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ पर सारे आपको टेक्निकल वीडियोज़ और करंट अफेयर प्लस DKGS भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वीडियो की जैसे कि GS, GK, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और टेक्निकल वीडियो सभी की PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन सभी की वीडियोस को आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना होगा। टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप और अनअकैडमी, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि आपको हेल्प मिलेगी और PDF बिल्कुल फ्री है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे जैसे कि RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोर्स चलाने वाला हूँ, और जो 4 लाख वैकेंसीज हैं उनके लिए भी, और जो भी एग्ज़ाम आएगा अभी SSC का उनके लिए भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन नहीं दबाया था वो भी दबा दीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं क्या न्यूज़ आई है। तो देखिए, ये फ्रेंड इंडिया NDTV इंडिया है। ओके, और इन्होंने न्यूज़ क्या दी है देखिए बता दूँ। न्यूज़ कब की है? 23 तारीख की है, और वो भी 23 की रात की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है RRB जॉब्स, पीयूष गोयल ने की बड़ी घोषणा, रेलवे में 4 लाख लोगों की भर्ती होगी। 4 लाख लोगों की मतलब 4 लाख जो है एग्ज़ाम, 4 लाख जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। अब ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पीयूष गोयल ने बेरोजगारों के लिए एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में 2,32,000 और वैकेंसीज निकाली जाएंगी। रेलवे में अभी तक जो है 1,32,000 पद खाली हैं। कितने हैं? 1,32,000 पद जो है वो खाली हैं। ओके, देखते हैं और क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। रेलवे पीयूष गोयल रेलवे मंत्री जो है पीयूष गोयल ने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया। अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति से होने वाले वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रेलवे देने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में 2,30,000 और वैकेंसियां निकाली जाएंगी। रेलवे ने मैं अभी 1,32,000 अभी तक पद खाली हैं। 2 साल में 1 लाख लोग और रिटायर होने वाले, मतलब 2 साल के अंदर 1 लाख जो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो लिहाजा पुरानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी और इस बार जो वैकेंसी रेलवे निकालने वाला है उसको मिला दें तो रेलवे 2 लाख से 4 लाख भर्ती करेगा। कितनी करेगा? दो साल में 4 लाख भर्ती करेगा। तो फ्रेंड्स, 2 साल के अंदर 4 लाख भर्ती होने वाली हैं, और फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, बता दें कि 2,30,000 नए पदों पर होने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब ये बात बहुत बड़ी है, यह यहाँ पर क्या लिख रहा है, कितने 2,30,000 पदों पर जो आर्थिक रूप से यानी कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये भर्तियाँ 2 फेज में होंगी। ठीक है, क्या फेज होगा? पहले फेज में 1,31,000 पदों पर 31,428 पद, ठीक है, 428 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। ये नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में जारी किया जाएगा। डेट ये पता चल गई है कि फरवरी और मार्च में किया जाएगा। जबकि दूसरी फेज में 99,000 पदों पर भर्ती होगी, भर्ती के लिए मई जून 2020 में। ठीक है, तो 2020 में नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी तो नहीं आ रहा, मतलब 1 साल बाद आएगा, तो ये तो अभी नहीं, लेकिन हम करेंगे इस पर फोकस, किस पर? 1,31,000 पर। ठीक है, तो आप
ठीक है, अब इस पर हो गई, अब बात करेंगे आगे और क्या क्या है। तो देखिए, पीयूष गोयल ने कहा है कि नौजवान युवाओं को जोश, भारतीय रेल की सेवा में आए और भारतीय रेल भी उसी जोश से के साथ और अधिक अच्छे बने, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। भारत की घोषणा के भर्तियों की घोषणा के अलावा उन्होंने पिछले सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार ने आज की तरह रेल में निवेश किया होता तो आज तो तकलीफ है तकलीफ आज जो तकलीफ है वो नहीं होती। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दीजिएगा अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि देखिए फिलहाल की जो भर्ती है, बता दूं आपको, देखिए वैसे 4 लाख भर्ती है लेकिन वो विद इन 2 ईयर है, लेकिन अभी जो फिलहाल की भर्ती है वो 1,31,000 आने वाली है। ओके, और दो फेसों में, ये जो 4 लाख वैकेंसीज होंगी वो दो फेसों में होंगी। ठीक है, पहले 1,31,000 4,28 होंगी, फिर 99,000 वैकेंसी 2020 में आएंगी। तो 2 साल का पूरा टारगेट है इनका, 2 साल में 4 लाख वैकेंसीज निकालनी है। तो 4 लाख वैकेंसीज बहुत होती हैं, अभी तक 4 लाख वैकेंसीज नहीं निकली हैं। ग्रुप डी से भी ज़्यादा आई थिंक एग्जाम बड़ा होगा आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, तैयारी कर लीजिए, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है तैयारी अच्छे से कीजिए, जैसा कर रहे हो वैसा करते रहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं रेलवे में हो जाए या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जाए जो अच्छा हो, तो रेलवे से अच्छा अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ये सभी को पता होगा। तो फ्रेंड देखिए, वैकेंसीज आ गई हैं और वैकेंसीज के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ, हमेशा अगर कोई भी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ तो मैं टॉप 500 प्लस जीके जीएस कोर्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फॉलिक एसिड की कमी से होता है, क्या होता है फॉलिक एसिड की कमी से? एनीमिया होता है, मानसिक विकार होता है, स्कर्वी होता है, या रतौंधी होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों का समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सौर प्रणाली? तो आपका आंसर नक्षत्र ने कहते हैं। अगला देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने पहले पता लगाया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ना कि सूरज पृथ्वी की ओर? ठीक, पृथ्वी के चारों ओर। तो फ्रेंड ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार आया है और आपने जो है छोटी छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा। न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिकस ने, या आइंस्टीन ने? तो आइंस्टीन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन बताइएगा, आइंस्टीन और न्यूटन को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दिया हमने, क्योंकि अलग अलग बातें हैं जो इसने इन दोनों इन्होंने नहीं की है। तो आंसर रहेगा हमारा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ये पता लगाया कि सूरज जो है वो पृथ्वी की नहीं या बाकी बल्कि पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है। अगला देखेंगे, टाइफाइड और हैजा का उदाहरण है, हैजा का उदाहरण क्या है? तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, इसका जलजनित रोग जो है इसका उदाहरण है। आगे देखेंगे, पौधे जो सागर की सतह को लाल रंग कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिनोफ्लेगेलिड्स, गोल्डन सेवाल, ग्रीन सेवाल या लाल सेवाल? तो आपका आंसर होगा डिनोफ्लेगेलिड्स ऐसे होते हैं जो समुद्र की सतह जो होती है, सागर की सतह, उसको लाल कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कम तरंग दैर्ध्य है? एक्सरे है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, या फिर रेडियो तरंगे हैं, रेडियो एक्टिव तरंगे? तो फ्रेंड्स आंसर होगा आपका एक्सरे। अगला देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, किससे मापा जाता है? पाइरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, अल्टीमीटर से, या फ्लेक्सोमीटर से? तो आंसर होगा फ्लेक्सोमीटर से। मानव का रक्त के पीएच मान, या पूछे मानव की कोशिका का रक्त पीएच मान या सेल का मान पूछें तो क्या है? तो फ्रेंड्स वो सिंपल है, देखिए पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है लिमिट्स जान लीजिए, पहले तो 0 से लेकर 14 तक होता है और 7 होता है न्यूट्रल, और 7 किस किस का होता है? पानी और NaCl का। पानी का तो ठीक है, पानी यहाँ तो ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, ठीक है, तो आप जी बीच में आ गए। अब इसमें NaCl अगर मिला दिया, यानी कि नमक मिला दिया, अगर पूरे तरीके वो घुल जाता है तो वो भी क्या है, उसका पीएच मान 7 रहेगा। ओके, तो इसका मान जो रहेगा मानव रक्त का वो रहेगा 7.4। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत होती है, तापीय होती है, यांत्रिक होती है, रासायनिक होती है? शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल, सेल का मतलब क्या है? सेल में रहेगा रासायनिक ऊर्जा। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आपसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
और अगर शेयर नहीं किया है और शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे दी हुई जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक और दी हुई है आपको। और फ्रेंड्स अनअकैडमी की लिंक है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे भी दबाइएगा, जिससे कि जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएंगी, उन वीडियोज़ को आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी दबा दिया होगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।